सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। तो पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 12 के महामुकाबले में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। एक तरफा जीत हासिल हुई है पाकिस्तान की टीम को 10 विकेट के बड़े अंतर से। अब ऐसे में भारत की करारी हार के बाद बदल चुका है T20 वर्ल्ड कप 2021 का पूरा पॉइंट टेबल। अंक तालिका में बड़ा बदलाव हुआ है, इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताने वाले। जहाँ फिलहाल सुपर 12 के मुकाबले खेले जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2021 में टोटल 12 टीम खेल रही है और इन सभी 12 टीमों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 6-6 टीमों को। अब ऐसे में ग्रुप ए से टॉप की दो टीम क्वालिफाई करने वाली है सेमीफाइनल के लिए, तो वहीं ग्रुप टू से टॉप की दो टीमें क्वालिफाई करने वाली है सेमीफाइनल के लिए। इस तरह से 4 टीम क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। अब ऐसे में भारत की इस करारी हार के बाद अब भारतीय टीम कैसे और किस तरह से सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी, इस वीडियो में आगे आपको पूरी विस्तार से बताने वाले क्या है सिनेरियो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सभी टीमों के लिए। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को करारी हार मिली है 10 विकेट के बड़े अंतर से। इस हार के बाद भारतीय टीम का जो नेट रन रेट है वो माइनस में चला गया है और दोस्तों नेट रन रेट काफी अहम होने वाला है इस T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए। जहां आपके जानकारी के लिए बता दें कि सभी 12 टीमों को टोटल 5-5 मुकाबले खेलने सेमीफाइनल और फाइनल मैच से पहले। अब ऐसे में सेमीफाइनल में अपनी जगह कंफर्म और पक्की करने के लिए अपने 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीतने होंगे अगर डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंचना है तो। लेकिन जो टीम अपने 5 मैचों में से 3 मैच जीतती है और 2 मैच हार जाती है तो वो टीम डायरेक्ट सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी, उसे नेट रन रेट पर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर बढ़िया नेट रन रेट रहेगा तभी क्वालिफाई कर सकती है, वरना फिर नेट रन रेट की वजह से वो टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। अब ऐसे में टीम इंडिया ने अपना पहला मुकाबला खेल लिया है, हार मिली है। अब टीम इंडिया को सेमीफाइनल में डायरेक्ट अपनी जगह कंफर्म करने के लिए बाकी बचे 4 के 4 ही मुकाबले जीतने होंगे और कम से कम अगर 3 मुकाबले जीते तो बड़े नेट रन रेट के साथ टीम इंडिया जीते, इस तरह से सेमीफाइनल में पहुंच सकती है टीम इंडिया। तो भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेले गए उस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच जहां चुने गए साइंस आफरीदी, पाकिस्तान के यंग फास्ट बॉलर जिन्होंने शानदार गेंदबाजी कराई थी, 3 अहम विकेट छटके थे। इसके अलावा भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली और पंत ने शानदार बल्लेबाजी की थी अंडर प्रेशर। उसके अलावा भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया था, चाहे वो बुमराह हो या फिर भुवनेश्वर कुमार या फिर मोहम्मद शमी या फिर वरुण चक्रवर्ती या फिर रविंद्र जडेजा, सभी गेंदबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे और एक भी विकेट नहीं ले पाए। इस वजह से पाकिस्तान के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बाबर और रिजवान ने ओपनिंग पार्टनरशिप से ही पाकिस्तान की टीम को जिता दिया था 10 विकेट के बड़े अंतर से। और यह क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड कप में किसी भी टीम ने 10 विकेट के अंतर से जीता है और पाकिस्तान की यह पहली जीत है भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में और वो भी 10 विकेट के बड़े अंतर से, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो पाकिस्तान की इस बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम को नुकसान जरूर हुआ है लेकिन पाकिस्तान को काफी फायदा हुआ है। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं पूरे पॉइंट टेबल पर कि कौन सी टीम कहां पर मौजूद है, कितने अंकों के साथ क्या है उनका नेट रन रेट। तो ग्रुप 1 पर नजर डालें तो इंग्लैंड की टीम फिलहाल नंबर 1 पर है, 1 मुकाबले खेली 1 में जीत और +3.970 इनका नेट रन रेट है 2 अंकों के साथ। तो वही नंबर 2 पर श्रीलंका, 1 मैच खेली 1 में जीत +0.583 इनका नेट रन रेट है और 2 अंक है। तो वही नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया की टीम, 1 मैच खेली 1 में जीत +0.253 इनका नेट रन रेट है और 2 अंक इस टीम के। तो वही नंबर 4 पर साउथ अफ्रीका है, 1 मैच खेली 1 में हार -0.253 इनका नेट रन रेट है, 1 भी अंक नहीं है। बांग्लादेश की टीम नंबर 5 पर है, 1 मैच खेली 1 में हार -0.583 इनका नेट रन रेट है 0 अंक के साथ। नंबर 6 पर वेस्ट इंडीज, 1 मैच खेली 1 में हार -3.970 इनका नेट रन रेट है 0 अंक है। तो वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट काफी ज्यादा कम है ग्रुप 1 में। वहीं ग्रुप 2 का इस तरह से है पॉइंट टेबल, नंबर 1 पर पाकिस्तान की टीम है, 1 मैच खेली 1 में जीत +0.973 इनका नेट रन रेट है 2 अंकों के साथ। नंबर 1 पर है, टॉप पर है पाकिस्तान की टीम। तो यहां अफगानिस्तान, नामीबिया, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड की टीम अभी 1 भी मैच नहीं खेली है जबकि टीम इंडिया फिलहाल 6 स्थान पर है, 1 मैच खेली 1 में हार और वो भी रेट काफी ज्यादा माइनस में हो चुका है -0.973 0 अंक है टीम इंडिया के। तो ये रहा दोनों ही ग्रुप्स का अंक तालिका। अब टीम इंडिया भले ही अंक तालिका में सबसे नीचे है दूसरे ग्रुप में लेकिन टीम इंडिया हार के बाद वापसी करना चाहती है। तो आपके अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2021 के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से वो कौन सी टॉप 2 टीमें होने वाली है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वहीं क्रिकेट से जुड़ी हर एक नूतन अपडेट्स पाने के लिए अभी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर दुनिया में सबसे तेज अपडेट सबसे पहले दी जाती है क्रिकेट की, जबकि आप इंस्टा और फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो कर सकते हैं, यहां पर भी लगातार अपडेट्स दी जाती हैं।